लिटरली मुझे ना ऐसे 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 करके डांस करने का मन कर रहा है। कर दिया पूरा कांड। चाय गिर गया। चाय चाय पीना था उसको। अरे वो हाथ से इधर घूम गया तो वो बेचारे ऐसे हो गए। उस दिन मुझे बहुत डायलॉग मार रहा था। क्या डायलॉग मार रहा था? बहुत डायलॉग मार रहा था ना। इसीलिए डायलॉग नहीं मारना चाहिए। धलो धलो में नमक छिड़क रहे हो। वो सोफे के ऊपर पहली बार चाय पी रही, इसीलिए सोफे के ऊपर चाय नहीं पीना। थैंक गॉड, सोचो इसके नीचे ये वाला था। अगर डायरेक्ट भी होता ये तो मैं और एक प्रोटेक्शन दिया है, क्योंकि मेरा जो सोफा कवर है ना ये पूरा फिटेड है। इसको मैं ना रिमूव कर सकती हूँ ना कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि कवर वाला ना लगाना बहुत मुश्किल है क्योंकि काफ़ी भारी है। इसके ऊपर ये था, थैंक गॉड इसमें उतना ज़्यादा लगा नहीं, मैंने थोड़ा बहुत कपड़े से धो दिया था। ये दो पोर्शन में है, ये बीच वाला नहीं है। तो अभी ऐसे ही सोफा में कभी चाय मत पीना बाबा, नीचे बैठ के पीना। मेरा पहली बार हुआ है। नॉर्मली मैं सोफा में देखना आप लोग ज्यादातर मैं नीचे बैठ के पीती हूँ, आज के बाद ज्यादातर मैं नीचे बैठ के पीती हूँ, आज के बाद तो और भी पीऊंगी। एक चीज आप लोगों से क्वेश्चन, अगर बाई चांस ऐसे अगर सोफा पे गिरे कुछ कभी भी, हो सकता है ना सोफा है ऑब्वियसली, तो तब क्या करना चाहिए? कुछ वॉशिंग मशीन में डाल दो। सोफा थोड़ी वॉशिंग में ना, सोफा का कवर खुलता है जो, हाँ ऊपर वाला जो कवर खुलता है, लेकिन नीचे वाला चाट चाट के साफ कर लो। आप लोगों के पास कुछ आइडिया है तो बताना। मैं वो डायरी पे, मेरा एक डायरी है टिप्स एंड ट्रिक्स का। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर से कैसे जाएगा? चाय का दाग है, ब्लीचिंग पाउडर पूरा ब्लीच कर देगा, सफेद कर देगा। पूरा सफेद कर, अच्छा रहा था इसका आइडिया। ये उद्भटक ऐसा आइडिया देगा जो जिंदगी में कभी नहीं मत लगाना, नहीं तो खुद ही पछताओगे। जिंजर गार्लिक बंगाली शाही गरम मसाला ऑलरेडी चैनल पे है, थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा जीरा और मिर्ची पाउडर मिक्स करके पानी देके रखना है। ये पोटैटो इस तरह से फ्राई करके ना ऊपर से चाट मसाला डाल के खा लो। उसी तेल में थोड़ा सा तेल दिया, कलौंजी, कालो जीरे, नारियल सी और मिर्ची, लेकिन बी केयरफुल, अनियन। अनियन फ्राई फ्राई जब हो जाएगा तब जी ये मसाला बनाया था, ये देख के अच्छी तरह से भूनना है। और ये है पम्पकिन और ये काला चना को मैंने प्रेशर कुकर में बॉयल कर लिया। आप कच्चा भी डाल सकते हैं लेकिन बॉयल होने में टाइम लगता है। सॉल्ट और पोटैटो भी मैं डाल दूंगी। दाल बनाया मसूर दाल, बहुत दिनों बाद मसूर दाल बनाया। राइस अभी शांतनु का सिर्फ टिफिन मैं पैक करूंगी। और यह है वही पम्पकिन का, जस्ट ढक ढक के पकाना है और कुछ नहीं करना है। और दूध गर्म भी हो गया। अभी शांतनु का टिफिन पैक करने का मेथड रहता है। ये है दाल और ये सब्जी, जस्ट भून भून के पकाया। अगर आपको पम्पकिन मीठा ना है तो थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं, अभी टेस्ट आपके अंदाजा से। लेकिन ऐसे ड्राई ड्राई बनना है। और एक में घी, घी के ऊपर चावल देना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा पता है? ये जो ढक्कन के ऊपर घी रख जाता है। एक दो दिन हुआ था शांतनु का। पहले दाल, उसके बाद दो राइस, मतलब हाफ हाफ करके देती हूँ, और उसके बाद जो भी सब्जी होता है। ये हो गया आज का टिफिन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और अभी शांतनु ऑफिस चले गए 8 बजे। मैं यहाँ पे पानी भर के जा रही हूँ, स्वीटी का एक चीज बड़ी काम करना है। अभी 9:30 बज गए, शांतनु तो 8 बजे गए, उसके बाद नहाने दिए, स्वीटी को उठाने वो काम, ये रहने दो। अभी इसको सो के आके बिछाऊंगी क्योंकि लेट हो जाएगा, नहीं तो मंदा के लिए वेट कर रही थी, मंदा आ गई तो चलो अभी सुबह सुबह क्या खाने वाला। गैस भी आज भी खत्म। मंदा गैस को बाहर वो बालकनी में रख देना, क्योंकि वो बुकिंग करूंगी ना। मेरा चश्मा किधर है? मैं चश्मा किधर रख दी? मेरा चश्मा के साथ ना एक देख किधर है चश्मा। चश्मा बिना तो बहुत मुश्किल है। अभी इसका क्लच हेयर ना जस्ट मैं ऐसे ही करके जा रही, जल्दी फटाफट यही होता है। अरे यहाँ पे गिलहरी है, ये चिक चिक आवाज ना गिलहरी का आवाज है। 9:30 बज गए, पूरा चारों तरफ साफ हो गया, क्योंकि सुबह में भैया लोग आके पहले वो जगह साफ कर लेते हैं। अच्छा लगता है सुबह सुबह निकलना। पहले स्वीटी का स्कूल था ना, स्वीटी का जब से स्कूल बंद तब से तो वही घर पे बैठ गया, लेकिन ये सुबह सुबह एटलीस्ट बच्चों का बस में जाना ये सब तो होता था। ये है पोस्ट ऑफिस कॉलोनी, बहुत सुंदर है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। डॉगी उठो, एक डॉगी को तो उठाया, सनग्लास ले रहे हैं क्योंकि धूप आ रहा है, अच्छा लग रहा है इसको। पार्किंग पहले किसके घर के सामने करो, ऑब्वियसली यहाँ पर घर के सामने। स्वीटी स्ट्रगल कर रही है, मैंने बोला दो चेयर लेके आ, खड़े रहने में काफी टाइम लगेगा ना, इसके पहले चार जन है, चार पांच जन है। गाड़ी वहाँ पे पार्क किया। कॉलोनी बहुत सुंदर है लेकिन वही मेंटेनेंस नहीं है, मतलब पेड़ पौधा पहले और भी सुंदर था। यहाँ पे टोकन लिया जाता है, स्वीटी का आधार कार्ड के लिए आई हूँ। एक दिन आए थे शांतनु फिर से,
तब वो लेट हो गया था, बंद हो गया था, मतलब वो टोकन बिना नहीं देते, जितना टोकन उनका दिन का कोटा रहता है। और वो माधव विला पर कितना ऊपर चढ़ा है पप्पू, मैं यहाँ पे आके भी फूल ढूंढी, ये वाला फूल देखो कितना सुंदर। यूपी हो गया, बाप रे, मिशन इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया, नहीं हो गया, बाबा रे बाबा, मतलब बहुत खुशी मिल रही है लिटरली। मुझे ना ऐसा 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 करके डांस करने का मन कर रहा है, बाप रे। स्वीटी का आधार कार्ड के लिए आप लोग तो देखे हो वीडियो पे, कितने बार घूम चुके हो, कितने बार आ रही हो, कितना कुछ प्रॉब्लम भी हुआ था, ये फॉर्म नहीं चलेगा, वो फॉर्म नहीं चलेगा, फाइनली यहाँ पे हो गया, वही सेम फॉर्म से हुआ है। भगवान जब कर रहा था तब कर रहा था, फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा था, तो बार बार प्रेस कर रहे स्वीटी वाले, फिंगरप्रिंट कैसे आएगा, सैनिटाइजर लगा लगा के तो सारे लाइन्स है वो तो निमट गए। अरे मजाक कर रहे थे, मैं बोला फिंगर किसी किसी का नहीं आता है, होता है। मिठाई खिलाऊंगी आप लोग, सचमुच मिठाई खिलाऊंगी। ये साइड का रास्ता से मैं जा रही हूँ, शॉर्टकट। अभी 10:30 बज रहा है, इतना खाली क्यों रह गया, 10:30 बजे पूरा पीक टाइम, लग रहा है सब ऑफिस नहीं गए, आज सब सो गए, मुझे लग रहा है। हाँ देखो इतना खाली, बाप रे इतना खाली, तो संडे भी नहीं रहता, संडे संडे फील हो रहा है भी नहीं। सब्जी स्वीटी केला लाने गई, किधर है, किधर गई, हाँ देखो तो सामने केला वाला गई, तो गई किधर, उसके पास अच्छा केला था। अरे स्वीटी कैसे केला लाई, सचमुच धरती पे केला है ना, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये एक ऐसा फल है जब आप बाहर जाओ तो छील के खा सकते हो, पेट भरने में इजी होता है। मेरा प्यारा मम्मा मुझे लेके चलो ना, मुझे बोले मुझे घुमाओ, छोटा बच्चा था बोले क्या घुमा, हाँ वो छोटा बच्चा बोलते स्कूटर में घुमा के लेके आओ थोड़ा, मैं बोले उल्टा तरफ से क्यों जाओ, इतना लंबा पड़ेगा, एक तो वीडियो एडिट है, प्लीज छोटा बच्चा करते ही है स्कूटी में घुमाना, तुम छोटा है क्या, प्लीज करके मेरा प्यारा मम्मा। स्वीटी केला का छिलका रख के गई, केला लेके गई क्योंकि उसका हाथ में जगह नहीं था, अगर गाड़ी पे रह जाए ना जब बदबू आएगा ना, इसलिए ये एक्चुअली खाद के लिए भी बहुत अच्छा है। थोड़ा पौधा इधर उधर, पौधा पौधा क्या होता है, पौधा 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 सॉरी पौधा, ये वाला बोगनविला में फ्लावर ही नहीं यार, उसमें देखो कितना फ्लावर है, ये तो कर तो लिया लेकिन इसको आस्ते तो उठा टान उठा टान टान धीरे धीरे धीरे, यस बाप रे की भाभी, ये वाला 8-10 किलो का आराम से हल्का है, नहीं हो रहा इसमें, यहाँ पे रख के देखते हैं, यहाँ पे अगर वजह से अगर बाई चांस हो जाए, बाई चांस नहीं होगा होगा फूल देख के मुझे मन पे खुशी मिलती है, अच्छा दिखेगा ना पीछे में बैकग्राउंड इतना सुंदर है। पहले ए तू बंदूक मत फूटा दो, पहले इतना छोटा छोटा हो रहा है, उसके बाद पूरा ये थोड़ा ऐसा वाला है, मतलब नीचे का तरफ इसका डंडा देख के भी आई कौन पे लगता है, स्वीटी स्वीटी ये छोटा बच्चा देखो, छोटा बच्चा जो हंसो स्वीटी दीदी के ऊपर हंसो, हाँ स्वीटी दीदी के ऊपर हंसो, देखो छोटा बच्चा जैसा बेबी जैसा बंदूक चला रहा है, तुम्हारे एज में कौन बंदूक चलाता है, स्वीटी छुट्टी बड़ी कब होगी पता नहीं। ये देखो इधर सजा सजा के रखा है, बाबा है कुछ इसके अंदर, इतना सा हमारे हमारे टाइम पे तो बड़ा 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 रोल मरा था, यहाँ पे ये सारे डोरमेट वगैरह रहते हैं, और इधर पेटीकोट और वो मतलब साया वगैरह और वैक्यूम क्लीनर इसके अंदर है, कुश्ती करना पड़ता है इसके अंदर रखना, ये किसने ऐसा लंबा करके रखा था, मैं कल बैठी। और जो भी पौधे का करना था वो हो गया, एडिटिंग भी वीडियो का हो गया, 1 बज गए, वाह वाह 10:30 बजे आई हो, इतना काम करते करते 1 बज गए, और आज मेरा खाना मैंने डाइनिंग टेबल पे रखा क्योंकि यहाँ पे कुछ चल रहा है, बेचारा लाल टमाटर जैसा तो लाल टमाटर गर्म हो गया एकदम, बन क्या रहा है, आलू गोश्त है, ये क्या बन रहा है, आलू गोश्त, आलू गोश्त, आलू बीन्स बीन्स डाल के वहाँ पे राइस भी है, कुछ तो बन रहा है, लगा तो पाली टांग दिया जो, ये वाला ये कोड़ी वाला बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट सा है, इस तरह से डिजाइन जो ट्रूल स्वीटी, हाँ जो हवा आ रहा है ना अभी, विंटर विंटर फील हो रहा है, विंटर के खिंचाव जैसा होता है ना, एक अजीब जैसा वैसे ही हो रहा है, लेकिन घर अंदर है लाइट जला कर रखना पड़ता है, पूजा करना तो स्वीटी का हो गया, लेकिन यहाँ पे अपराजिता हुआ है, दुर्गा को दिया जाता है ना अपराजिता, कितना सुंदर सुंदर कलर है, अगर कल ये नहीं रहता तो हो गया होता, सोफा में अभी सूख गया है ना, तो इसको सोचा अभी दे देता, नीचे वाला छोटा है, नीचे वाला इसलिए हाफ करके दोनों साइड में, और ये भी अगर बिछाऊंगी तो दोनों साइड में थोड़ा कम होगा, प्लास्टिक बिछा के, प्लास्टिक बिछा के तब बिछा के मतलब, मुझे ये सोफा इसलिए अच्छा लगता है, एक तो ये बैठ के कंफर्टेबल ऐसे सो जाते, कंफर्टेबल है लेकिन एकदम स्वीटी भी सोती है बहुत, स्कूल जिस दिन थोड़ा ब्रेक ब्रेक रहता आके सो जाती, प्रो जो है इसीलिए रखती हूँ क्योंकि मैं ना सोने के टाइम थोड़ा सा लगता है कुछ कुछ और
ओढ़ के सो, चाहे समर हो विंटर हो, चाहे तुम गलते रहो। एक आदत है, फैन जब चलता है लगता है एक पतला सा कुछ ओढ़ के सो। इसमें लड्डू वड्डू रखा था, लड्डू खत्म, Up in stardust, same world but without us. Something made us fine. Oh cute baby, क्या कर रहे हो? सोच रही हूँ ये snacks खत्म हो, ये जगह को मैं उठा। देखो पूरा एकदम भरा पड़ा हुआ है, थोड़ा थोड़ा बचा है, ज्यादा नहीं, इसी पोहा ज्यादा है। श्री आपके लिए स्पेशल इटालियन खिचड़ी हाजिर है, टेस्ट करके बताइए कैसा है। बालकनी में बैठिएगा। सब्जी क्या होगा? रिएक्शन नहीं दिया तुमने। अच्छा, अरे पहले खाने तो दो, गरम है। ऑफ कोर्स गरम है, खिचड़ी है, आलू है, बेबी कॉर्न है, ये है रिसोटो, बिना हल्दी का खिचड़ी, इटालियन वाले सारे गुड इसके अंदर है। थैंक यू सो मच स्वीटी, आज मतलब बालकनी में खाकर अच्छा लगा। स्वीटी के लिए एक लाइक करो, ये फर्स्ट टाइम रिसोटो बनाई तो कब से बोले मैं एक बार ट्राई करूँ। तुम्हें बच्चे ट्राई करेंगे तभी ना सीखेंगे, नया नया चीजें ट्राई करने में उसको अच्छा लगता है। क्या बबंडे चला के सोई है? गर्मी है, इतना ठंडी लग जाएगी। ये सब नीचे और ये सो गए बेचारा, लाल लाल क्या हो गया यहाँ पे गर्मी में, वो धूप में था ना। सो गए हम का खो गए, चलो सो जा सो जा बोंदू, सो जा तो इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर देना। मुझे भयंकर वाला नींद आ रहा है, कल रात को नींद नहीं हुआ। संतरू भी बोल रहे थे कल रात को नींद नहीं हुआ। मैं क्या करूंगी, यहाँ से पिलो को निकालूंगी, ये सब पिलो ना मेरा वो तो देखा है साइड में देने के लिए। मैं भी आधा एक घंटा सो जाती हूँ, आज एडिटिंग भी हो गया ना। आप सबको एक चीज दिखाऊंगी, रुको, ये तो दिखाना उस दिन भूल गई थी। ये जो है ये मेरा एक फोर्थ फेवरेट चीज है, पूरी जगन्नाथ में हमने खरीदा था बहुत बचपन पे, मतलब बहुत छोटी थी तब पूरी गई थी जगन्नाथ, तब खरीदा था, थोड़ा बड़ा साइज का था इससे भी, क्योंकि एक बॉय था उसके अंदर, गर्ल था उसके अंदर, जो छोटे 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 होते हैं। मेरी मम्मी ने किसी को दे दिया था, लेकिन वो मेमोरी मेरा अभी भी है। सबसे छोटा वाला है ये, मतलब ऐसा वाला होता है ना, इसके अंदर ये स्टैकेबल डॉल भी बोलते हैं, रशियन डॉल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग तो बोलते थे पेट के अंदर पेट के अंदर पेट के अंदर, ऐसा वाला हमारे यहाँ पे क्या बोलते थे आई डोंट नो। सबसे बड़ा वाला ये तो इसीलिए बहुत एक अलग सा चीज है, ऐसा करके रखो तो पूरी फैमिली हो जाता है। लेकिन मेरा वाला जो था उसमें गुड्डा भी था, गुड्डा इतना बड़ा, स्वीटी जब छोटी थी ना तब से ये है। और ये जो ग्रे वाला है पूरा जो स्टैकेबल डॉल है, ये स्वीटी का बचपन का है, गोवा से खरीदा था। और जो व्हाइट वाला है वो मैंने रिसेंटली खरीदा है, उसके साथ एक कनेक्शन है। तो वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक जरूर करना, मेरे चैनल पे नए फ्रेंड्स है तो सब्सक्राइब जरूर करना। अभी मिलते हैं कल के और एक इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल माय फ्रेंड्स। Look to the left, look to the right, nothing can stop me in-